जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कराने के लिए ई वे बिल की ज़रूरत पड़ती है। अब गुड्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो इंट्रा स्टेट हो चाहे इंटर स्टेट हो, यदि उस गुड्स की वैल्यू जो ट्रांसपोर्ट की जा रही है यदि 50,000 के ऊपर यदि चली जाती है, किसी किसी स्टेट में 1,00,000 रुपये की भी लिमिट हो चुकी है, तो जैसे इस लिमिट को क्रॉस करती है आपको ई वे बिल मैंडेटरी जनरेट करना पड़ता है। अब यहाँ पर इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, यदि आप जिस स्टेट में रजिस्टर्ड हैं उसी स्टेट में यदि गुड्स को आप ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। इंटर स्टेट का मतलब हुआ कि आप किसी अनदर स्टेट में आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं और उसकी वैल्यू जो है 50,000 या 1,00,000 के ऊपर चली जाती है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। लेकिन जॉबर के केस में यदि आप गुड्स को इंटर स्टेट यदि आप मूवमेंट करा रहे हैं, यानी कि आपका गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यदि जॉब वर्क के लिए जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो गुड्स की वैल्यू है वो मायने नहीं रखती है। मतलब कि आपके गुड्स की वैल्यू चाहे 50,000 के नीचे हो या 50,000 के ऊपर हो, आपको ई वे बिल मैंडेटरीली जनरेट करना पड़ता है। तो आप सभी को पता है कि जब आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ई वे बिल रिक्वायर्ड होता है। अब ये जो गुड्स आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ये तो या तो आपने इसे सप्लाई किया होगा, ठीक है, यानी कि सेल किया होगा किसी दूसरी पार्टी को, या फिर अदर देन सप्लाई का केस होगा। यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है जॉब वर्क का। अब यहाँ पे भी ये सप्लाई नहीं मानी जाती है। जैसे आपका कोई भी गुड्स हो, चाहे रॉ मटेरियल हो सेमी फिनिश गुड्स हो, और उसे आप फर्दर कंप्लीट कराना चाहते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि अपने गुड्स को आउटसोर्स कर देंगे किसी दूसरे पर्सन को जो कि जॉब वर्क कहलाता है। अब वो जॉब वर्कर क्या करेगा, उस गुड्स पे जो भी काम है उसका वो कंप्लीट करने के बाद, चाहे आप प्रिंटिंग के लिए कोई वर्क दे दें या फिर आप जो है क्या बोलते हैं डिज़ाइनिंग के लिए कोई वर्क किसी को आउटसोर्स कर सकते हैं, या फिर आप जो है कोई भी पार्ट्स वगैरह आपने कहीं से मंगाई उसको आपको असेंबल्ड कराना है, तो ये सारे जॉब वर्क के केस में सारे आते हैं। तो आप जिस कैटेगरी के भी हैं तो आप जॉब वर्क के लिए जो कुछ भी भेजते हैं वो सप्लाई नहीं माना जाता है। यदि आप गुड्स की सप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको उस गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है, लेकिन उस ई वे बिल को जनरेट करने के लिए आपको इनवॉइस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इन केसेस में यदि आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो ई वे बिल जनरेट करने के लिए आपको डिलीवरी चालान की जरूरत पड़ती है। डिलीवरी चालान कुछ इस तरीके से फॉर्मेट जनरेट होकर के आता है। यदि आप टैली प्राइम वगैरह यूज करते हैं तो उसमें भी आप डिलीवरी चालान तैयार कर सकते हैं, एक्सेल शीट में भी आप जो है डिलीवरी चालान को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ऊपर में जो कंसाइनर है यानी कि जो प्रिंसिपल है उसका डिटेल यहां पे आता है, उसका नेम आ जाता है, उसकी पूरा एड्रेस वगैरह जाता है, उसका जीएसटी नंबर यहां पे आ जाता है प्रॉपर तरीके से, और ईमेल आईडी वगैरह फोन नंबर वगैरह आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं। इसके बाद यहां पे कस्टमर की डिटेल यानी कि जो जॉब वर्कर है जिसको कि आप माल सेंड कर रहे हैं उसकी डिटेल यहां पे आ जाती है, तो उसका जीएसटी नंबर, उसका एड्रेस, उसका नेम यहां पे आ जाता है, डिलीवरी चालान का नंबर, डिलीवरी चालान का डेट आपको एंटर करना है, जिस ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप माल भेज रहे हैं उसका लॉरी नंबर क्या है, ई वे बिल नंबर वगैरह क्या है, क्योंकि इस पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिस ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप माल भेज रहे हैं तो आपको उसका नंबर, ई वे बिल नंबर, ट्रांसपोर्टर का नाम लिखना है, आपको ट्रांसपोर्टर की आईडी लिखनी है, व्हीकल नंबर लिखना है। ये जो सारी डिटेल है ना ये ई वे बिल जनरेट करते समय आपको इंटर करनी पड़ती है। तो जो ई वे बिल में आप डिटेल डाल रहे हैं वही डिटेल आपको यहाँ पर भी ट्रांसपोर्टर की इंटर कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट आप सेंड कर रहे हैं जॉब वर्क के लिए उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाता है, HSN कोड आ जाएगा, क्वांटिटी आप कितनी भेज रहे हैं उसकी डिटेल आपको इंटर करनी है, किस रेट से आप भेज रहे हैं, टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे आपको जीएसटी को बाइफरकेट करना पड़ेगा। यदि आपका इंट्रा स्टेट का केस है तो CGST SGST होगा, और यदि आप इंटर स्टेट के लिए भेज रहे हैं तो IGST होगा। यहाँ पे टोटल आपका अमाउंट आ जाएगा। ये जो डिलीवरी चालान आपने तैयार की है इसी डिलीवरी चालान के आधार पे आपको ई वे बिल जनरेट करना है। प्रिंसिपल यदि गुड्स को जॉब वर्कर को सेंड कर रहा है तो ऐसे केस में उसे ई वे बिल जनरेट करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ई वे बिल पोर्टल पे आप आ जाएंगे, ई वे बिल वाले सेक्शन पे क्लिक करें, जनरेट न्यू पे आपको क्लिक कर
करना है, यहाँ पे आउटवर्ड आप रखेंगे और यहाँ पे आपको जॉब बॉक्स सेलेक्ट करना है। इसके बाद डिलीवरी चलान यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर यानी कि डिलीवरी चलान का जो फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया था तो उसमें डिलीवरी चलान का नंबर आप जो मेंशन किए होंगे वो नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है, डिलीवरी चलान का डेट इंटर करना है और यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने बताया था कि यदि आप अपने प्लेस ऑफ बिजनेस से यदि जॉब वर्कर को यदि गुड्स आप सेंड कर रहे हैं जॉब वर्क के लिए तो आपको यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल आ जाती है और यहाँ पे बिल टू में आपको जॉब वर्कर की डिटेल इंटर करनी है। तो यदि जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना होगा तो ये सारी डिटेल उसकी आ जाएगी और यदि अनरजिस्टर्ड है तो आपको सिंपली जीएसटीआईएन नंबर यूआरपी टाइप करना है, बाकी ये सारी डिटेल आपको इंटर करनी होगी, उसका स्टेट, उसका पिन कोड। जैसे आप सप्लाई के केस में सारी डिटेल्स यहाँ पे इंटर करते हैं वैसे ही आपको इंटर करना है, बस डिफरेंस ये है कि जो आप सप्लाई के केस में आप इंटर करते हैं तो ये अपडेट हो जाता है जीएसटीआर 1 में, लेकिन आप डिलीवरी चलान के थ्रू यदि आप अपडेट करेंगे तो जीएसटीआर 1 में नहीं जाएगा। यहाँ पे आइटम्स डिटेल में आपको डिलीवरी चलान में जो जो आपने वहाँ पे डिटेल इंटर किया था, जैसे कि आपके प्रोडक्ट का क्या नाम है जो कि आप जॉब वर्कर को सेंड कर रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, एचएसएन कोड क्या है उस प्रोडक्ट का, कितनी क्वांटिटी आप भेज रहे हैं जॉब वर्कर को, इसके बाद यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू उसकी क्या है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जो प्रोडक्ट आप अपने सप्लायर से बाई कर रहे हैं यानी कि आपने किसी न किसी से तो रॉ मटेरियल बाई किया होगा, सेमी फिनिश्ड बाई किया होगा, तो उसने जो इनवाइस आपको इशू करी है उस इनवाइस में जो वैल्यू मेंशन है वो वैल्यू आपको यहाँ पे इंटर करनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे इंटर नहीं करना है, जो परचेस वैल्यू आपका है एक्चुअल वैल्यू वो आपको इंटर करनी है। यहाँ पे जीएसटी रेट आपको सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे जीएसटी रेट यदि आप इंटर करते हैं जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए आपको इंटर करना होता है, ठीक है। इसका GSTR 1 की लाइबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं कि आप इंटर कर देंगे आपके ऊपर GST लाइबिलिटी आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ये सारी डिटेल आपकी आ जाएगी और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की ID आपको इंटर करनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस ऑटोमेटिक आ जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे व्हीकल नंबर आ जाएगा, आप जिस मोड से भी आप भेज रहे हैं गुड्स को, रोड से, रेल से, तो जनरली आप गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन रोड से ही करते हैं, तो यहाँ पे रोड सेलेक्ट करेंगे, व्हीकल टाइप रेगुलर है या ओवर डायमेंशनल है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, डॉक्यूमेंट ट्रांसपोर्टर का जो डॉक्यूमेंट नंबर और डेट है जो आपने डिलीवरी चलान में मेंशन किया था वो डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो डिलीवरी चलान में जो इन्फॉर्मेशन आपने दी एकदम एज इट इज़ आपको ये फिलअप करना है, फिर सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है, तो ये आपका डिलीवरी चलान के थ्रू ईवे बिल जॉब वर्क के केस में आपका जनरेट होकर के आ जाएगा। तो आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्या वैल्यू आपको शो करनी है आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच फॉर watching this video.